अजमेर के लौंगिया दिल्ली गेट इलाके में वाहन खड़े करने व जाम की स्थिति के साथ ही सवारी लाने व ले जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा मौके पर इकट्ठा हो गया और दोनों तरफ से विवादित टिप्पणियां शुरू कर दी गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए गंज थाना पुलिस व दरगाह थाना पुलिस व अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया। इस दौरान एक पक्ष द्वारा मीडिया को कवरेज के लिए भी रोक दिया गया, जिसे लेकर मीडिया कर्मियों ने आपत्ति जाहिर की। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस दोनों ही पक्षों से समझाइश का प्रयास कर रही है और दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। मामला दिल्ली गेट लौंगिया पर वैन खड़ी होने को लेकर हुआ था। इस दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति को चोट भी लगी थी। एक पक्ष द्वारा थाने पर प्रदर्शन कर मामला दर्ज कराया गया तो वहीं दूसरे पक्ष ने भी जल्द मामला दर्ज करने की मांग रखी है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले भी इसी तरह से बच्चों के झगड़े के बाद देर रात मामला बिगड़ा और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, इसीलिए पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। राहुल के वहाँ जाम लगा हुआ था, वेन वालों एक ने वेन आड़े लगा दी, मतलब वो दारू वारू पिए हुए था, उसको दूसरे लोगों ने बोला हटाओ इधर से गाड़ी, तो वो गाली उतार करने लग गए। नाम क्या लड़की का? नाम नहीं जानता, नाम थोड़ी जानता भी ना? वो तो रणवीर, मैं तो मेरे घर के पास ही खड़ा था। तो आपके साथ क्यों मारपीट हुई? वो आने मेरे मार दी, छुड़ा रहा था वहाँ, इसने आके मेरे मार दी। अच्छा, जानता भी नहीं हूँ किसको। हाँ, शिकायत कर दी मैंने। वहाँ आए थे, गालियाँ बकते रहते हैं, वहाँ आके हमारे घर के सामने बहने खड़ी कर देते हैं सुबह सुबह। नहीं, नाम नाम नहीं जानते, नाम नहीं जानते, एक का जानते बस रणवीर। दिल्ली गेट पे वैन वाले आए दिन जाम लगा लेते हैं भाटिया के आगे, अगर इनको बोलते हैं तो गलत गलत जवाब देते हैं, गालियां बकते हैं, लड़ने की धमकी बताते हैं। आज ये चाचा ने बोला ये क्या जाम लगा रखा, अगर जाम लगाने की बात पर इनको इनके झपट मार दिया। इनकी आग देखें आप, इनकी आग पे लग गई है, इनके रोज के ये नाटक हो गए। आया दिन ये कहते हम बड़ा बड़ा हादसा करवा देंगे, हम बड़ा झगड़ा करवा देंगे, ये क्या नाटक है? मतलब इनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, ये एक रणवीर नाम का लड़का, उसके साथ चार पांच लड़के हो रहे हैं, रणवीर वगैरह सब गायब हो गए हैं, अभी बिल्कुल मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं इनके खिलाफ। ये आए दिन के ये नाटक है साहब इनके।